welcome pleasure to meet all of you on monday 19th of april 2021 what a beautiful evening and today we have got very very interesting topic today is 846th webinar wow we have come a long way from 25th of march 2020 and I extend a very warm welcome to all of you, those who have joined us. Thank you, thank you. You people are so regular, so particular. Dilshan Wafa is the first to join today, Saurabh. And then, of course, Arun Gurji has also joined. Arun Gurji is a principal of a school which is up to 10th standard in the beautiful state of Punjab. We have Bal Kishanji who has joined us from Pathan Coach. We have got Julie Ma'am who has joined us from Manipur, Imphal. Hearty welcome, and it's a pleasure. Today is a very, very interesting subject, subject you know, music, Sangeet. गीत संगीत की दुनिया और बहुत कुछ है म्यूजिक के अंदर योर लाइफ शुड बी म्यूजिकल यू शुड एंजॉय ईच एंड एवरी मोमेंट ऑफ योर लाइफ ऑलवेज बी हैप्पी ऑलवेज स्प्रेड हैप्पीनेस और जब आप गाएंगे गुनगुनाएंगे म्यूजिक सुनेंगे इंस्ट्रूमेंटल सुनेंगे और ये देखिए कितने अच्छे भारतीय इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर हैं सबसे पहले ऊपर मृदंग है फिर तबला है फिर बांसुरी है संतूर है हारमोनियम है तानपुरा है, ओह, सरोद है सितार है और उसी के साथ साथ बहुत ही ओ, फ्लूट के साथ साथ कुछ और भी बजता है कुछ और भी बजता है इसमें बड़ी दुख की दर्द की ट्यून्स निकलती है तो मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि मैंने यहाँ पर मस्तिष्क दिखाया है पॉजिटिव डॉक्यूमेंट तो so, सारे बच्चों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन सभी टीचर्स का सभी एजुकेटर्स का सभी काउंसलर्स का आज के इस प्रोग्राम में बहुत बहुत आभार साक्षी जुड़े मीनू जी जुड़े विकास फ्रॉम टोरंटो इज विद एंड देन वी हैव गॉट अरुण जी ऑफ कोर्स बालकिशन जी न्योई न्योदू फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश देन एस फ्रॉम इम्फॉल एंड हैव गॉट गुरिंदर जी And then, of course, New Imam is writing music heals soul. Yes, New Imam, and that's why one should always listen to Punjabi music. That is <laughs> big, big drum beats and something. Even if somebody is sleeping and feeling sleepy, you can be woken up and you can remain awake with the Punjabi music, the drum beats, and all everything. Right. Vimal Chauhan has also joined us. Hearty welcome to all of them. Mugamji, my friend from Tamil Nadu, hearty welcome. Pleasure, pleasure. So, music वेलकम education. सो म्यूजिक इन talking अबाउट lots ऑफ म्यूजिकल instruments, म्यूजिक लाइफ में क्यों चाहिए म्यूजिक एजुकेशन में क्यों चाहिए म्यूजिक से क्या होता है दिमाग में मस्तिष्क में दिल में दिल की बड़ी बीमारी है दिल बहुत तंग करता है दिल बहुत तकलीफ देता है इस समय बहुत ज्यादा सीरियस सिचुएशन है i want to make you laugh i want to make you smile i want to feel you happy but inside my heart deep down i am quite worried because situation is not that good and if you see last time india touched the peak last year i am talking about that was in 110 days this time in 62 days it has broken all the barriers and you do not know where we are and where we are heading

इसके ऊपर आप मेडिकल वाला मास्क जो है उसे भी पहनिए इन दोनों मास्क को लेकर उन्होंने जो जो हिदायत दी वो सब इतनी अच्छी हैं उन्होंने कहा नाक में सरसों का तेल डालिए मुंह में सरसों का तेल देके उसका कुल्ला कीजिए और उससे भी आपका कोई बैक्टीरिया किसी तरीके का कोई वायरस अंदर नहीं जा सकता फिर उन्होंने यह भी बातचीत की कि आप दिन में काली मिर्च का सेवन कीजिए लौंग का सेवन कीजिए अजवाइन का सेवन कीजिए गर्म पानी का सेवन कीजिए और रात को सोने से पहले स्टीम लीजिए सुबह एक बार स्टीम लीजिए ये सब आप लोगों के लिए प्रिकॉशंस हैं।

तो आप अपनी मम्मा पापा की बातचीत मानो और जिनके साथ आप रह रहे हैं उनकी भी बात मानो और अपना ख्याल रखो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल एंड एट द सेम टाइम एल्डरली पीपल प्लीज डॉक्टर साहब ने यह भी कहा कि बहुत सादा भोजन खाइए डॉक्टर परमेश्वर अरोड़ा जी ने कहा सादा भोजन खाइए बहुत ज्यादा रिच प्रोटीन और ये सब चीजों का मत खाइए इस समय सो दोस्ट इंटरेस्टेड

पूरे विश्व में हम कहा से कहा आ गए लेकिन हम वहाँ वापस जा सकते हैं अगर इतिहास के उन पन्नों में वापस जाता हूँ तो लिख दिया है अपने टाइम में देखिएगा सिकंदर आजम मूवी का है उस समय का है जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा वो भारत देश है मेरा जहां सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा वो भारत देश है मेरा ये धरती वो जहां ऋषि मुनि जपते प्रभु नाम की माला जहां हर बालक एक मोहन है और राधा एक, एक सबसे पहले आकर डाले अपना डेरा अरुणाचल प्रदेश वो भारत देश है मेरा जहां आसमान से बातें करते मंदिर और शिवालय जहां किसी नगर में किसी द्वार पर कोई न ताला डाले प्रेम की बंसी जहां बजाता आए शाम सवेरा वो भारत देश है मेरा वी आर प्राउड दैट वी आर बॉर्न इन इंडिया अब पहले की जो चार लाइने हैं उन तीन लाइनों को ही चलिए हम एक बार लेके चलते हैं बड़े अच्छे से जहा डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती थी बसेरा वो भारत देश है मेरा वो भारत देश है मेरा जहा सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा वो भारत देश है मेरा वो भारत देश है मेरा जय भारती जय भारती कल अष्टमी है घर से कहो हम सब भारतीय हैं कल मां दुर्गा का अष्टमी का त्योहार है कल अच्छे से कीजिएगा और कल के दिन पंजाब में तो खासकर एक कंजकें होती हैं जब छोटे छुड़ छोटे बच्चों के गर्ल चाइल्ड के पैरों को धोया जाता है उनको मौली बांधी जाती है और उनको फिर एक प्लेट में थोड़ा जो है कुछ खाने के लिए प्रसाद दिया जाता है और बच्चे प्रसाद की तरफ नहीं बच्चे क्वाइंस की तरफ देखते हैं अंकल क्वाइन दे रहे हैं कि रुपी देख रहे हैं अंकल टेन रुपीज दे रहे हैं कि हंड्रेड रुपीज दे रहे हैं <laughs> बच्चों का बहुत मजाक होता है दैट इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग हम भी जब बच्चे थे तो यही होता था यही होता था हम 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 जो है वो पूरी हलवा और चने नहीं देखते थे हम देखते थे आंटी ने क्या दिया इसके अंदर कितने पैसे दिया आंटी ने हमारे इंटरेस्टिंग एनीवे कल आपकी कंजकें हैं कल आपकी अष्टमी है उसको अच्छे से कीजिएगा सुरेश कुमार जी क्या बात है सुरेश कुमार जी जोधपुर से जुड़ रहे हैं कर्नल है इंडियन आर्मी के और इनका नाम वैसे कर्नल है पर ये गजल कुमार होने चाहिए न कि सुरेश कुमार जी बहुत अच्छे इंसान हैं बहुत बढ़िया हैं और इनसे मैंने बहुत कुछ जीवन में सीखा है बहुत प्यारे हैं

एम प्राउड ऑफ और जो आपको टेक्निकल एक्सपर्टीज मिलती है वो सारी आपको अजय कुंडल जी के थ्रू मिलती है और जो सोशल मीडिया पर सब कुछ आपको मिलता है वो अरुणाचल प्रदेश से हाबुंग आशा का आता है जीरो से ऑल द वन हु डेडिकेट सो उस तरीके से जूली मैम मणिपुर से बहुत कुछ भेजती हैं बहुत कुछ जुड़ती हैं और बहुत कुछ आगे लेके जाती हैं एक विधि मैम है यमुनानगर से वो भी बहुत अच्छा करती हैं सो so, <coughs> मैम थैंक यू वेरी मच आप भी जुड़े हैं हमारे साथ अरुणाचल से आपका भी बहुत बहुत हार्दिक स्वागत हार्दिक अभिनंदन वाई एजुकेशन आपको याद होगा मैंने फ्राइडे के अंदर आपको उन लोगों की ग्रेव दिखाई थी जिन लोगों ने एजुकेशन इंट्रोड्यूस किया जिन एग्जामिनेशन इंट्रोड्यूस किया आई हैव शोन यू देर ग्रेव यार्ड और भगवान कभी उनको माफ नहीं करेगा जिन्होंने फॉर्मल एजुकेशन इंडस्ट्रियल एजुकेशन क्लासरूम में बैठ के बेंच पे पढ़ाने वाली एजुकेशन और उसके बाद एग्जामिनेशन और उसके बाद एग्जामिनेशन में टीचर सेंट्रिक होके सारी चीजें सब कुछ वो बट एनी anyway, सब कुछ बदल रहा है सब कुछ बदल रहा है ना वाई एजुकेशन डस एजुकेशन मेक्स अ डोर टू ब्राइट फ्यूचर चलिए बातचीत करते हैं इसके बारे में देखेंगे कैसे है वट इज द पर्पज ऑफ एजुकेशन बहुत सारी डेफिनेशन है बहुत सारी जगहों पर है डज इट रियली हेल्प इन लर्निंग डज इट रियली हेल्प इन द डेवलपमेंट प्रोसेस चलिए आइए इसको भी लेकर चलते हैं दिलशान जी थैंक यू वेरी मच आरती थैंक यू एंड विमल चौहान जी थैंक यू बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया ममता ग्रेट एंड ओके ममता जी लिख रही हैं आई लव व्हेन आई गेट गिफ्ट इंस्टेड ऑफ मनी ओके हम आपको डिजिटल वे में गिफ्ट भेज देते हैं पैसे नहीं भेजेंगे अभी ओके राइट सो व्हाई एजुकेशन इज नॉट इंटरेस्टिंग दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट हर एक बच्चा कह रहा है मजा नहीं आ रहा है पढ़ाई में मजा नहीं आ रहा है ये जो हम पढ़ रहे हैं ना ये इंटरेस्टिंग नहीं है वो मजा क्या है वो इंटरेस्टिंग क्या है उसको इंटरेस्टिंग कैसे बनाए तो सबसे पहले दो चीजें दिल और दिमाग दिल और दिमाग दिल और दिमाग दिमाग और दिल नहीं 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 दिल और दिमाग उल्टा है ठीक है दिल पहले आता है लोग दिल की बात करते हैं दिमाग की बात बाद में करते हैं बी श्योर योर चाइल्ड गोज बियॉन्ड हेड नॉलेज क्या शब्द है बी श्योर योर चाइल्ड गोज बियॉन्ड हेड नॉलेज तो क्या होना चाहिए टू अंडरस्टैंड हार्ट इश्यूज दिल की धड़कन को सुने दिल की आवाज को सुने दिल की बात को सुने और दिल ने फिर याद किया दिल देके देखो दिल दे के देखो दिल दे के देखो दिल दे के देखो जी दिल लेने वालो दिल देना सीखो जी ओ दिल देने वालो दिल देना सीखो जी बहुत दिल के ऊपर गाने बने हैं दिल ने फिर याद किया ओ, 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 दिल ने पुकारा दिल माने ना दिल वाले दुल्हानिया ले जाएंगे दिल तो पागल है बहुत <laughs> इंटरेस्टिंग है ओके हाउ टू मेक एजुकेशन इंटरेस्टिंग छुटकू राम यहां पर पूछ रहा है और इसने अपने सामने एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट रखा हुआ है और ये कह रहा है अंकल ये बताओ ना हाउ टू मेक एजुकेशन इंटरेस्टिंग आप हमको और कुछ नहीं सुनना हमको ये बताओ हाउ टू मेक एजुकेशन इंटरेस्टिंग ग्रेट न्योई मैम लिख रही है म्यूजिक इज फूड फॉर सोल साक्षी लिख रही है एम्पावरिंग सेशन Pradeep Bish music is also one of the easiest thing to store in your memory, often to our frustration. Yes, I agree. Or Vimalkaya Likream, wonderful. Dilshan, music is a language that doesn't speak in particular words, it speaks of emotions. And if it's in the bones, it's in the bones. Okay. Dilshan, girlfriend Shunriya, she would be very, very happy. Okay. Oh, ty Tyrone's tyrons Okay. Tyron is, um, you know, he is a principal at present in uh, Garo Hills. When I talk about, uh, he is the principal over there in Meghalaya. Great. So, hearty welcome. If you want to be interesting, याद करिए ध्यान से सुनिएगा ये teachers के लिए भी है, बच्चों के लिए भी है, सब के लिए और counselors के लिए खास कर है. If you want to be interesting, अगर आपको ये session enjoy करना है और मुझे यह सेशन एंजॉय करना है मैं आपको यह सेशन तभी एंजॉय करवा सकता हूं जब मैं खुद इसमें इंटरेस्टेड मैं 1977 से से कर्नल सुरेश कुमार जी से कोशिश कर रहा हूं कि कुछ सीख जाऊं कुछ चीजें सीख जाऊं कुछ ज्ञान हो जाए क्योंकि वो तो ज्ञान के भंडार हैं ज्ञान का बहुत बड़ा उनके पास भंडार भरा पड़ा है ओके सो ममता You are braver than you believe, and stronger than you seem, and smarter than you think. I'm improving my English also. That's very good. And Tyronji, this is an extremely wonderful topic. Thank you. I'm proud of you. Can we have music in education? Yes. listed Your creativity, your collaboration, your leadership quality, your motor skills. इनोवेटिव स्किल्स योर कोलेबरेटिव स्किल्स योर थॉट प्रोसेस स्किल्स योर मेमोरी स्किल्स योर मैथमेटिक स्किल्स योर फिजिक स्किल्स योर कैमेसिटरी स्किल्स योर बायोलॉजी स्किल्स एवरी थिंग गेट्स एम्पावर्ड विद द म्यूजिक वी विल प्रूव इट टूडे टू ऑल ऑफ यू नाउ ग्रेट वॉट आर द बेनिफिट्स ऑफ म्यूजिक इन अर्ली चाइल्ड हुड डेवलपमेंट जिन मां बाप के बच्चे अभी बहुत छोटे हैं सात साल तक के बच्चे को जब आप म्यूजिक सिखाते हैं और म्यूजिक बताते हैं या म्यूजिक सुनाते हैं तो उसकी बहुत सारी स्किल्स इतने अच्छे से मल्टीप्लाई होती है यू कांट इवन थिंक ऑफ इट आप देखिए कॉग्नेटिव डेवलपमेंट इमोशनल स्किल्स मोटर स्किल्स लैंग्वेज सोशल स्किल्स अब मैं कॉग्नेटिव पे जाऊं प्रॉब्लम सॉल्विंग लिसनिंग

नीचे से बजा रहा होता है हाथ ऊपर से बजा रहे होते हैं दैट ऑल इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ योर वेरियस स्किल्स एंड देन कम्स इमोशनल स्किल्स आ हा कभी भी किसी का दिल ना टूटे कभी भी किसी से किसी का यार ना बिछड़े जिनको जो चाहिए उनको वो मिल जाए हमें तो जिंदगी में जो कुछ चाहिए था वो सब कुछ मिल गया और जब आपको वो सब कुछ मिल जाता है तो आप बहुत खुश होते हैं आप बहुत हैप्पी होते हैं और आजकल जो यंग बच्चे हैं वो एक पुराना गाना याद कीजिएगा मुमताज का और शमी कपूर जी का आप कहोगे ये गाला तो हमें तब का याद ही नहीं है आपके मम्मी पापा को याद होगा आज कल तेरे मेरे प्यार के चर्चे सबको मालूम है और सबको खबर हो गई खाना और इश्क जब खाना बनता है तो तड़के की जो स्मेल है जो मसालों की स्मेल है वो दूर तक पड़ोसियों तक फैलती है और जो इश्क और मुश्क है जो प्यार है वो भी नहीं छुपता है सो so, इमोशंस क्या है बॉन्डिंग केयर एम्पथी, सेफ एंड सिक्योर एंड कॉन्फिडेंस इन वनसेल्फ ऑल दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विच वी ऑल हैव टू अंडरस्टैंड इमोशंस जिंदगी में बहुत जरूरी हैं जिस आदमी के पास इमोशन नहीं है भाव नहीं है जिसको किसी का दर्द से दर्द नहीं होता है वो याद है ना आपको किसी की मुस्कुरा हटो पे हो निसार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार जीना इसी का कदम है याद है ना तो जब किसी और के दर्द से आपके दिल में दर्द होता है तो वही इमोशन है इमोशन को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है

Dilshan, amazing session. Arumugamji, no language barrier to enjoy music. Yes, I want to learn Tamil music from you, Arumugamji. Yana Randa Nala Pura want vanakam, vanakam, Vanakam. I want to learn. Music suits our minds that are depressed and repressed. Yes, ji, I totally agree. Minuji, the future you belong to the young people with the education and the imagination to create. Yes, I totally agree. Dilshan, music touches us emotionally. Where words alone can't. Yes, I totally agree. Tyrone, your presence as the moderator has <laughs> in this session. Thank you, thank you. Gulapuram, very nice, sir. Very nice. Great. I'm so very happy. So Ladies and gentlemen, music, music, music everywhere in every subject, every school should have music. It should be the integral part. Concentration. Music gives you a concentration. Even when you sit in meditation and you say, mm, You're doing humming. Humming is what? Sound. Sound is what? Musical. Sound where it is going oh my god it is reaching my friends it's reaching universe it's somewhere and whatever i'm feeling i'm conveying through my meditation through my yoga and meditation concentration music gives you concentration because when you plan for music there was something very nice, you know, because I love Mahindra Kapoor and uh, Muhammad Rafi Ji. My favorite singer is Mahindra Kapoor. And my best singer on this planet is Muhammad Rafi -ji. And like Mahindra Kapoor say, Main akela der chalta raha, Ab safar ka nahi. जब तलक कोई रंगी सहारा न हो वक्त का फिर जवानी का कटता नहीं तुम अगर हम कदम बनके चलती रहो मैं जमी पर सितारे बिछाता रहूं, तुम अगर साथ देने का वादा करो मैं यू ही मस्त नुटाता रहू म्यूजिक इज समथिंग वंडरफुल यू मस्ट एंजॉय म्यूजिक एंड वी ऑल शुड एंजॉय म्यूजिक सुरेश सुरेश जी राइटिंग माई फेवरेट सिंगर डॉक्टर शर्मा आई एम योर डिसाइपल सुरेश जी आई लर्न फ्रॉम यू ओके इनक्रीज फोकस Don't you feel that music makes you get focused? And you are remembering your girlfriend, right? And she has not come. You're just thinking about her. Let me get back to my old memories. And there was a beautiful movie called Dulari, and there was a song. ढ चुकी ना जाने तुम कब सुहानी रात ढ चुकी ना जाने तुम कब आओगे हवा भी रुख बदल चुकी You remember when you are in love that time? Oh, Vimal is laughing. He says, Ha ha ha. Tauji is singing. <laughs> okay, Julie, the right inspiring lyric or motivational songs can give you the boost to your mood. Yes, Dilshan. A painter paints picture on the canvas, but musician paints their picture on silence. Wow, Dilshan, you get the award this evening. Yar, what a beautiful sentence you have written. A painter paints pictures on canvas, but the musician paint their pictures on silence. लगता है यार तुम भी कहीं जख्मी हो यार आई होप योर गर्लफ्रेंड इज फाइन एंड अबाउट म्यूजिक तो आपको वर्ड्स याद रहते हैं मेमोरी याद रहती है फोकस याद रहता है हंड्रेड परसेंट यू हैव गॉट फ्लू फोकस एंड सक्सेस और एक बात और है किसी की कॉपी करने की जरूरत नहीं है एंजॉय करो म्यूजिक किचन में करो बाथरूम में नहाते हुए करो और खाना पकाते हुए करो खाना खाते हुए मत करना के सो एंजॉय द म्यूजिक एंजॉय द म्यूजिक ब्रिंग म्यूजिक इन योर लाइफ एंड आई एम टेलिंग यू पीपल जो सड़ू हैं जिनको बहुत गुस्सा आता है स्ट्रेस में रहते हैं प्रेशर में रहते हैं हमेशा एंग्री रहते हैं एक बार म्यूजिक सुनो एक बार म्यूजिक को एंजॉय करो आप लाफ करोगे लाफ करोगे लाफ करोगे आप एक अलग सी दुनिया में जाओगे महेंद्र कपूर जी को मैं बहुत ज्यादा याद करता हूं बहुत ज्यादा याद करता हूँ एक पुरानी पिक्चर आई थी गुमराह महेंद्र कपूर जी एक ऊंची आवाज में गाया करते थे बहुत ऊंची आवाज में उनका एक गाना था हो oh, oh, oh. के अब तो चांदनी सर्द हो चली हो चली हो चली धड़कनों की नरम आच सर्द हो चली हो चली ढल हो चली।, चली है रात आके मिल आके मिल आके मिल आजा आजा अभिजा ये हवा ये हवा ये हवा शुरू में जब म्यूजिक सीखना है तो हल्के गाने चुनिए जहां पर बहुत मुश्किल ट्यून्स ना हो यू वुड एंजॉय म्यूजिक अगर शुरू में मुश्किल ट्यून्स लोगे तो आपको बहुत डिफिकल्टी आएगी एंड दिस सो मच विच यू कैन डू प्रदीप जी थैंक यू वेरी मच यू आर आल्सो अमेजिंग दिलशान लाइफ इज अ ब्यूटीफुल मेलोडी ओनली द लिरिक्स आर मेस्ड है भाई तेरी या तो <laughs> <laughs> dilshan wow great julie ma'am wow it sounds exactly 100% thank you julie ma'am very kind of you if the fragrance and if the feelings and the warmth and best wishes are coming all the way from the northeast part of india from manipur god bless all of you northeast is a beautiful place on this planet okay do we really feel happy with music this is something very interesting why don't we feel happy with music you may listen music you may sing yourself. You may do humming. टल यू मे लिसल यू मे लिस्टन क्लासिकलेशनो गजलों का शौक आज तक नहीं हो पाया और मैं कई बार सोचता हूँ कि कैसे करा जाए गजल का शौक कैसे पैदा किया जाए अरुण जी थैंक यू अरुण गर्ग जी लिख रहे हैं वेलकम वेलकम प्रेसिडेंट ऑफ More educational society, music education society. Thank you, Bal ji, God bless, Sean. I wish to listen to one more song from you. Yes, it will be there. Shivani, ma'am. One, two, three. Music education is very important. I think that from it, growing up, I was disciplined and very hard at home. Oh my god, by music, enjoy. Karne do parents, but music, enjoy. Karnado, come on, come on, come on, come on, acha music, enjoy. Karen sabi No.

आशा भोसले जी ने कितने मुश्किल गाने गाए मैं कई बार सोचता हूं और जब उनके गाने सुनता हूं तो मतलब तबीयत खुश हो जाती है कि कितनी मेहनत से एक लाफ्टर को एक पर्टिकुलर टाइम म्यूजिक में लेके आना वाह एवरीथिंग इज पॉसिबल एज एंड जनमैन लिसन टू ब्यूटीफुल सॉन्ग्स लिसन टू मीनिंगफुल सॉन्ग्स लिसन टू मेलोडियस सॉन्ग उन गानों को सुनिए आजकल अरिजीत जी के गाने बड़े अच्छे हैं सोनू निगम जी के भी बड़े प्यारे गाने हैं एक वेस्ट बंगाल की लेडी हैं श्रेया घोषाल उनके भी बड़े प्यारे हैं अलका याग्निक जी के पुराने है ना <coughs> बहुत प्यारे प्यारे गाने मैं एक गाना कोश कोशिश कर रहा था याद करने की तो उसकी बातचीत करेंगे आइए म्यूजिक से आगे बढ़ते हैं म्यूजिक एंड द ब्रेन आज मैं सबके ब्रेन को चार्ज करना चाहता हूं एक पॉजिटिव बैटरी लगा के आपके माइंड को चार्ज कर देना चाहता हूं वट एक्जैक्टली म्यूजिक डू टू अस म्यूजिक हमें क्या करता है म्यूजिक से क्या होता है हमारे ब्रेन में कौन सी तरंगे मुझे जरा प्लग लगाने दो जैसे हम मोबाइल को चार्ज करते हैं मैं आपके ब्रेन में एक प्लग लगा दू आज की शाम आई स्टिल थिंक द मेन थिंग दैट अमेजेज मी अबाउट म्यूजिक Is how how an artist sums up emotions and exactly how you feel in few minutes, थोड़े से टाइम के अंदर आप क्या क्या महसूस करते हैं मोहम्मद रफी जी के कितने प्यारे प्यारे गाने हैं आया है 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 है। मैं तो महेंद्र कपूर जी के मोहम्मद रफी जी के क्या मतलब वो गाने सारे सुन के हे hey, नीले गगन के तले धरती का प्यार पले ऐसे ही जग में आती है सुबह है, ऐसे ही शाम ढले hey, नीले गगन के तले धरती का प्यार पले म्यूजिक को एंजॉय कीजिए आपके तरंगे आएंगे आपकी उमंगे आएंगी आप अच्छे रहेंगे जैसे टीचर्स दोस एंजॉय देयर सब्जेक्ट दे नेवर ग्रो ओल्ड म्यूजिक शुड बी द इंटीग्रल पार्ट ऑफ आर एजुकेशन इकोसिस्टम न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी आया आए है ये देखिए म्यूजिक

How many emotions can music make you feel? Ah, desirous, joyful, cheerful, amusing, energetic, ah, anxious, victory, overcoming something, calm, relaxing, serene. Ah, क्या बढ़िया म्यूजिक है क्या बढ़िया गाने हैं क्या अच्छे अच्छे बहुत ही प्यारा म्यूजिक है म्यूजिक शुड बी इंटीग्रल पार्ट ऑफ द एजुकेशन म्यूजिक कैन इट रियली इंप्रूव अस ओवरऑल यस इट इंप्रूव्स आर मूड इट रिड्यूस स्ट्रेस इट लेसन्स एंजाइटी, इट इंप्रूव्स एक्सरसाइज

वक्त मूवी थी दो वक्त आई है एक अक्षय कुमार जी की और एक बलराज साहनी जी की जो पुरानी वक्त है आपके ममा पापा ने देखी होगी उसमें एक बहुत अच्छा गाना था वक्त से दिन और रात वक्त से कल और आज वक्त की हर शह गुलाम वक्त का हर शह पेराज आदमी को चाहिए वक्त से डर कर रहे कौन जाने किस घड़ी वक्त का बदले मिजाज वक्त से दिन और रात वक्त से कल और आज वक्त की हर शह गुलाम वक्त का हर शह पराज ये देखिए लिखने में भी कलम टूट गई मतलब क्या और उस गाने को आप सुनेंगे आपकी तबीयत खुश हो जाएगी 1965 की है अपने मम्मा पापा को आप सुनाएंगे और इसमें बड़े खूबसूरत गाने थे आगे भी जाने ना तू पीछे भी जाने ना तू जो भी है बस यही एक पल है कर ले पूरी आरजू

खुशी के गाने सुनती है प्यारे प्यारे गाने सुनती हैं दुख तकलीफ के गाने नहीं सुनती है एंड आई सिट नेक्स्ट टू हर एंड आई टॉक टू हर एंड आई आई लाफ विद हर टेल टेल ऑलवेज मॉम मी यू एंड जब मैं आने वाला था तो उससे पहले थी एक नागिन पिक्चर आई थी वेजंती माला की और बड़े रोमांटिक गाने थे उसमें बड़े प्यारे प्यारे गाने थे मैं वो सुनती थी और कुछ और बड़े अच्छे गाने थे एक वो कौन थी इस तरीके से खैर बहुत सारी फिल्मों के गाने सुनती होंगी बट शी टू लिसन धार्मिक एंड एंड रोमांटिक पॉजिटिव सॉन्ग्स तो मैं ये महसूस करता हूं और मैंने अपनी मां के साथ कई बार हूँ बातचीत की है यू कैरी एवरी थिंग द डी एन ए दीन्स आई एंजॉय म्यूजिक आई लिव म्यूजिक आई आई कैन लीव एनी थिंग फॉर म्यूजिक बिकॉज दिस इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग इन लाइफ जॉय म्यूजिक जो आदमी म्यूजिक एंजॉय करता है चाहे इंस्ट्रूमेंटली करिए कोई दिक्कत नहीं है बट यू वुड लव इट इट विल हेल्प यू अर लॉट ये स्लाइड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वॉट्स इज योर टेस्ट ऑफ म्यूजिक मैं आपको ये नहीं कहता कि भाई सिर्फ भक्ति के गाने सुनो मैं ये नहीं कहता कि सीरियस गाने सुनो मैं ये नहीं कहता कि रोमांटिक गाने सुनो आप कोई भी गाने सुनो जॉन डेनवर का आप देखिए बहुत पुराना

जो कुछ भी आपको अच्छा लगता है वो सुनो लेकिन वो मीनिंगफुल होना चाहिए वो पॉजिटिव होना चाहिए वो आपकी पर्सनालिटी रिवील करता है आपने देखा होगा यूट्यूब पर आप जैसी वीडियोस देखते हैं एलगोरिदम आपको बार बार वही वीडियोस ला देती है क्योंकि इट रिफ्लेक्ट्स योर पर्सनैलिटी सो इफ यू विल लिसन टू गुड सॉन्ग्स मीनिंगफुल सॉन्ग्स आई कैन वाउच फॉर इट विद इन थ्री मंथस विद इन थ्री मंथस आपको किसी कोचिंग सेंटर में नहीं जाना आपको कहीं ट्यूशन नहीं लेनी आपको कहीं पैसे नहीं खर्च करने यू कैन इंप्रूव योर इंग्लिश यू कैन इंप्रूव योर इंग्लिश थ्रू म्यूजिक थ्रू म्यूजिक लिसन टू द म्यूजिक ओके सो रिजल्ट ऑफ द म्यूजिक इन आवर एजुकेशन एम्पावरमेंट आई क्यू राइट इंटेलिजेंट क्वेश्चन के बारे में सब बात करते हैं ब्रेन स्किल्स एंड कोऑपरेशन आईक्यू की अगर मैं बात करता हूं

लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी को मैं दिखा रहा हूं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने कितने प्यारे गाने दिए हैं <coughs> इनका तबला जो है मेन है और इनके गाने इतने प्यारे हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के किसी बीट को उठा लीजिए किसी गाने को उठा लीजिए और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का सबसे पहली जो मूवी थी वो थी पारस मनी जब इन्होंने शुरू किया था और मोहम्मद रफी जी का भी बड़े अच्छे गाने थे उसमें वो जब याद आए बहुत याद आए एक बड़ा प्यारा गाना था उस समय का और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने वहां से किया अभी लक्ष्मीकांत जी नहीं रहे प्यारेलाल जी अभी हैं और बहुत सारे प्रोग्राम्स में भी आते हैं अगर आप इंडियन आइडल देखते हैं म्यूजिक के प्रोग्राम देखते हैं संगीत के प्रोग्राम देखते हैं कितना बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं अपनी वाइफ के साथ आते हैं सो म्यूजिक के अंदर टीम वर्क होता है इतने सारे लोग हैं if you want to learn leadership if you want to learn coordination and if you want to learn teamwork then the music is the best thing kisi aur cheez se aap nahi seekh sakte jitna acha aap yahan se seekh sakte hain टीम वर्क आपको याद होगा एक पिक्चर आई थी जीने की राह उसके अंदर इनका एक गाना था आने से उसके आए बहार जाने से उसके जाए बाहर बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा है महबूबा महबूबा ये लक्ष्मीकांत प्यारलाल जी के बड़े प्यारे और तबला एक मूवी आई थी दो रास्ते ये रेशमी जुल्फ़े ये शरबती का म्यूजिक था लक्ष्मीकांत प्यारेला इन्हें देख कर फिर एक और मूवी आई थी सच्चा झूठा यू ही तुम मुझसे प्यार करती हो ये भी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का बहुत सारे गाल सत्यम शिवम सुंदरम सत्यम शिवम सुंदर वो भी इन्हीं का था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का इट वाज सो नाइस ये देखो मेरे दो प्यारे प्यारे बच्चे म्यूजिक लेसन कैन इंप्रूव लैंग्वेज स्किल्स एक मैसाच्यूसिट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की नई स्टडी आई है अ न्यू स्टडी फ्रॉम दी एम यू एस एज फाउंड की जो पियानो के लेसन होते हैं दे आर वेरी स्पेसिफिक इलेक्ट और किंडर गार्डन के जो बच्चे हैं उनकी एबिलिटी को डिस्टिंग करने के लिए कि पिच क्या होती है क्या है सारे गामा सा सानी दामा which into an in words. ये ये लेके बड़ा अच्छी एक स्टडी है इसको आप जरूर पढ़िए देखिए ये दोनों बच्चे और मुझे बड़ी खुशी है कि एक वेस्टर्न कल्चर का बच्चा इंडियन म्यूजिक सीख रहा है आपको कितना अच्छा लगेगा ग्रेट म्यूजिक फॉर मैथमेटिक्स अब आ जाते हैं हम सब्जेक्ट के ऊपर इतनी सारी वीडियोस हैं जिनको जानना है सीखना है समझना है क्योंकि आगे के प्रोग्राम्स में मैं अलग अलग सब्जेक्ट के ऊपर आपके लिए प्रोग्राम्स लेके आऊंगा क्योंकि समय कम होता है बहुत सारी चीजें आपके साथ शेयर करनी होती हैं प्रोग्राम लंबा नहीं कर सकता म्यूजिक फॉर मैथमेटिक्स पर एक प्रोग्राम अलग से लेकर आऊंगा और म्यूजिक मैथमेटिक्स में कैसे करता है होल हाफ क्वार्टर एट सिक्सटीन ये सब चीजों को हम लेकर जब चलते हैं ये कोमल स्वर है ये तीव्र स्वर है सारेगा का, रेगा का मा गा मा पध पधनी धनी सा इसकी बात करेंगे म्यूजिक के साथ म्यूजिक एंड मैथमेटिक्स को हम लेकर चलेंगे म्यूजिक फॉर फिजिक्स एवरी बीट क्रिएट्स ए पल्स विच कोलैबोरेटली क्रिएट्स ए वेव फॉर्म साउंड का आपको याद है हम साउंड के बारे में हमेशा बातचीत करते रहते हैं फिजिक्स का भी मैं एक अलग से प्रोग्राम आपके लिए लेके आऊंगा मैथमेटिक्स का प्रोग्राम अलग से आएगा फिजिक्स का प्रोग्राम अलग से आएगा ये पूरा मैंने डिस्क्रिप्टिव दिया है टाइम कम है ये यूट्यूब पर अवेलेबल है यू कैन रीड इट योर आपको इतना अच्छा लगेगा गैलीलियो का क्या है क्वांटम का क्या है आगे फ्यूचर में क्या हो रहा है फिजिक्स में क्या हो रहा है कंट्रीज क्या कर रही है म्यूजिक कैसे फिजिक्स को मदद कर सकता है म्यूजिक फॉर केमिस्ट्री आ हा 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 लाइफ भी तो केमिस्ट्री है किसी को दोस्त बनाना भी तो केमिस्ट्री है कोई आपको पसंद करे वो भी तो केमिस्ट्री है कोई किसी को अच्छा लगता है तो वो भी तो केमिस्ट्री है जिंदगी अच्छे से गुजारना भी तो एक केमिस्ट्री है किसी के साथ अच्छे भाव से रहना भी तो केमिस्ट्री है किसी को प्यार करना भी तो केमिस्ट्री है और प्यार हर तरह का है फादर डॉटर का है फ्रेंड्स का है हस्बैंड वाइफ का है माता पिता का है बच्चों का है ग्रैंड पेरेंट्स का है प्यार तो संसार में ही है इसलिए धर्मेंद्र जी का वो गाना बड़ा प्यार है ना प्यार ही प्यार बेशुमार देखा है तेरी आँखों में प्यार ही प्यार बेशुमार और देखिए कुछ गाने इतने पुराने जो कभी नहीं भूलेंगे कभी नहीं चाहेंगे किसी शादी में आज तक कितने साल गुज़ गए राजेंद्र कुमार जी वेजंती वाला का एक गाना था अगर आपको याद हो ओय, ओय, ओय। फूल बरनाओ मेरा महबूब आया है मेरा महबूब आया है हवाओं रागनी राग मेरा महबूब आया है मेरा महबूब आया है किसी के आने से आपको कितनी खुशी मिलती है और किसी के जाने से कितना दुख होता है और अगर <laughs> एक मूवी आई थी 1964 में और उसमें तीन लोग होते हैं इकट्ठे वैजंती माला राज कपूर एंड राजेंद्र कुमार राजेंद्र कुमार और राज कपूर जी दोस्त होते हैं राजेंद्र कुमार जी पढ़े लिखे शुरू से एडवोकेट बन जाते हैं और जो सुंदर जो राज कपूर जी होते हैं वो बेसिकली जो है चुलबुले होते हैं म्यूजिकल होते हैं सब कुछ होते हैं सारी चीजें होती है और वो सीरियसली लाइफ को नहीं लेते लेकिन आस्ता आस्ता सीरियस होते जाते हैं सब कुछ है अब शुरू में वैजंती माला जी उस मूवी के अंदर राजेंद्र कुमार जी को पसंद करती है लेकिन जब बाद में ये सीरियस होते हैं और राज कपूर जी इतने अच्छे बन जाते हैं तो इनके साथ मैरिज हो जाती है और मैरिज के बहुत साल गुजर जाते हैं पुरानी चिट्ठी कहीं से गलती से मिल जाती है उस चिट्ठी के मिलते ही राज कपूर जी पियानो पे बैठ के गाना गाते हैं दोस्त दोस्त ना रहा प्यार प्यार ना रहा, जिंदगी हमें तेरा नारा। तो हर तरह के मोमेंट्स आते हैं लाइफ में खुशी भी आती है गम भी आते हैं तकलीफें भी आती हैं प्रॉब्लम भी आती है, है। कोरोना के टाइम में आपको अपने आप को बचाना भी और खुश भी रखना है नाउ ये सारे गाने हैं और ये सारे बच्चे इस वीडियो में जो कुछ आज आप देख रहे हैं इस YouTube को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए बाद में देखिएगा फोटोसिंथेसिस पे भी गाना है द बोन सॉन्ग है द मसल सॉन्ग है द फूड चेन सॉन्ग है ये सब अब मैंने कहा म्यूजिक फॉर बायोलॉजी आप म्यूजिक से बायोलॉजी सीख सकते हैं कैन यू बिलीव दैट आई एम लर्निंग फ्रॉम माई ग्रैंड चाइल्ड लॉर्ड ऑफ थिंग्स नाव He teaches me lots of things, lots of things. I'm proud of him. अब देखिए

विश्व गुरु बनना है भारत भारत का सम्मान करो ये गाना रोज बजता है और फिर एक टूरिज्म का सॉन्ग भी हम लोगों ने बनाया है भारत के द्वार है खुले स्वागत में आपके पग पग पे फूल हैं खिले स्वागत में आपके आकर तो देखिए मेरे हिंदुस्तान में यहां दिल बिछाए जाते हैं मेहमान की शाम आओ के दीप हैं जले स्वागत में आपके पग पग पे फूल हैं खिले स्वागत में आपके भारत के द्वार हैं खुले स्वागत में आपके दैट्स अ टूरिज्म सॉन्ग सो म्यूजिक डांस कल्चर आर्ट डिस्प्ले हेरिटेज वंडरफुल म्यूजिक फॉर जियोग्राफी अरे भैया जो लोग जियोग्राफी पढ़ाते हैं जितने भी लोग ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं आई वुड मेक ए हम्बल रिक्वेस्ट टू यू यूज म्यूजिक इन जियोग्राफी बच्चा कभी नहीं भूल पाएगा बच्चा एंजॉय करेगा बच्चा इतना मजे से सुनेगा कुछ कहने के हर नहीं ओ ममता जी ने तो यहां पर म्यूजिकल नोट लगा दिए बहुत सारे दिलशान ने कहा एनर्जेटिक सेशन ग्रेट मैंने बहुत देर से देखा नहीं था म्यूजिक इज द डिवाइन वे टू टेल ब्यूटिफुल पोइटिक थिंग्स टू द हार्ट यस जियोग्राफी totally so, <laughs> okay. बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है मैं जियोग्राफी पे आपके लिए एक अलग से लेसन ले के आऊंगा म्यूजिक के साथ यू विल बी गागा तुम कहो यार जियोग्राफी तो सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स फिजिक्स केमेस्ट्री जियोग्राफी और आगे चलते हैं

कुछ करिए कुछ करिए ये सब लोगों को करना है आदित्य चोपड़ा जी की बहुत बढ़िया प्रोडक्शन थी मजा आ गया था इस मूवी का म्यूजिक फॉर कॉम्पिटेंसी आपको याद है ना बहुत सारी कॉम्पिटेंसी की भी एम एस धोनी आप देखिए म्यूजिक फॉर कॉम्पिटेंसी अरे इट गिव्स यू इन साइड फीलिंग यू कैन डू इट यू विल डू इट यू कैन डू इट यू शुड डू इट यू मस्ट डू इट इट्स नेसेसरी अगर जीतने का स्पिरिट लाना है तो म्यूजिक

इशारो इशारो में लेने वाले बता दे हुनर सीखा तूने कहा से निगाहों निगाहो जादू चलाना मेरी जान सीखा है तुमने जहां से दैट वॉज अ ब्यूटिफुल म्यूजिक फॉर पॉजिटिविटी और इसी का एक और ये म्यूजिक था पंजाबी थे ओपी नहीर, ओपी नहीर जी का म्यूजिक म्यूजिक था था क्या था? अरे काश्मीर की कली इसके गाने सुनिएगा आपके मम्मी पापा को बड़े अच्छे लगते होंगे यू वुड जस्ट लव इट ओके द हीलिंग पावर ऑफ म्यूजिक जब आप बीमार होते हैं इस समय भी खासकर जब कोरोना का टाइम है और देखिए इस समय नवरात्रे भी आए हैं माँ दुर्गा की भी पूजा हो रही है मेरी माँ ने भी पूरे सात दिन का आठ दिन का व्रत कल अष्टमी में वो अपना व्रत तोड़ेंगी सब लोग हैं और ऐसे बहुत सारे राग हैं रागाज हैं जिनको आप इंग्लिश में कहेंगे वैसे राग हैं और मुझे बड़ी खुशी है आप लोगों के साथ ये शेयर करते हुए हर रविवार को सुबह जो हम अपना कार्यक्रम करते हैं विद्या से अध्यात्म विद्या की और प्रोफेसर सत्येंद्र धीमान जी के साथ उन लोगों ने मैंने और प्रोफेसर साहब ने मिलकर एक डिस्कस किया है कि हम हंड्रेड राग हैं उनके हंड्रेड सोचेंगे नहीं आपको कभी जीवन में कोई तकलीफ लगेगी नहीं अपनी तकलीफ औरों से छोटी लगेगी आपको हमेशा लगेगा अपने लिए जिए तो क्या जिए जिए कि भाई दूसरों के लिए जिए आपको लगने लगेगा इस तरीके से

एक बड़ा प्यारा क्योंकि नहीं पता नहीं यश चोपड़ा जी को महेंद्र कपूर जी को रवि जी को और जी को और 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 इन सब की जितनी होती थी इनको पहाड़ झरने और और ये सब चीजें बहुत अच्छी लगती थी बहुत प्यारी लगती थी तो इसीलिए महेंद्र कपूर जी के गानों का आवाज का उन्होंने पूरा पूरा फायदा लिया और किस तरीके से बढ़िया से उन्होंने इतने खूबसूरत गाने दिए अब ये ये वादिया ये फिजाए बुला रही है तुम्हें ये वादिया ये फिजाए अब मैं इस गाने को आज गाऊंगा नहीं क्योंकि टाइम कम है फिर कभी देखेंगे म्यूजिक हैज नो लैंग्वेज इट इज जस्ट फेल्ट इन साइट म्यूजिक की कोई भाषा नहीं होती एंड म्यूजिक इज फॉर द ग्लोबल पीस अगर हमें विश्व में शांति चाहिए पीस थ्रू म्यूजिक Why not we should work on it? जितने भी लोग आज इस चैनल पर जुड़े हैं इस चैम्बर पर जुड़े हैं इस वेबिनार में जुड़े हैं इस YouTube पर जुड़े हैं ऑल ऑफ अस वी शुड वर्क टूगेदर म्यूजिक फॉर ग्लोबल पीस म्यूजिक फॉर ग्लोबल हार्मनी म्यूजिक फॉर ग्लोबल ब्रदरहुड और जिसका नाम है वसुधेव कुटुंबकम सारा संसार क्योंकि अल्टीमेटली तो सोल सर्चिंग करनी है मुझे अल्टीमेटली उसके पास वापस जाना है जहां से मैं आया हूं ये तो सफर टेम्परेरी है सो म्यूजिक बीइंग इंट्रोड्यूस नाउ इन द न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 29 जुलाई को आपको नई एजुकेशन पॉलिसी दी गई म्यूजिक आर्ट्स लिटरेचर टू बी टॉट इन ऑल कॉलेजेस और देखो अभी आपकी स्पोर्ट्स आपकी म्यूजिक आपको जिनको पहले बोलते थे ना एक्स्ट्रा करिकुलर को करिकुलर और ये सब नो दे विल बी द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द एजुकेशन बहुत खूबसूरती है म्यूजिक इन आवर एजुकेशन इकोसिस्टम टूडे आय हाय म्यूजिक को आप एजुकेशन के इकोसिस्टम में 100 परसेंट ले आइए बच्चे भी एंजॉय करेंगे और बच्चे बहुत कुछ एंजॉय करेंगे लास्ट स्लाइड में मैं आज आपको बताऊंगा बच्चे क्या एंजॉय करते हैं क्यों एंजॉय करते हैं किस लिए एंजॉय करते हैं हाउ एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन कैन इनोवेट एजुकेशन विद म्यूजिक इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पोइट्री हो लिटरेचर हो संगीत हो गीत हो आर्ट हो ड्रामा हो कुछ भी हो मेकिंग लर्निंग फन आह जो हमारे ट्रेनर्स हैं और मास्टर ट्रेनर हैं कोई भी जो ट्रेनर और मास्टर ट्रेनर बनता है दे बी मैं म्यूजिक के जरिए आपकी पर्सनालिटी को इंप्रूव कर सकता हूं आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव कर सकता हूं आप में कॉन्फिडेंस ला सकता हूं आप में वो क्षमा जला सकता हूं कैसे था वो कि तानसेन ने राग गाया और दीपक जल गए ओए होए होए कुछ तो हुआ होगा म्यूजिक मैं आभार प्रकट करता हूं गवर्नमेंट स्कूल खंडेबाद का जो हमारे संगरूर में है पंजाब में और अरुण जी जो यहाँ के बेसिकली हेडमास्टर हैं ये ट्वेल्थ टेंथ क्लास तक का स्कूल है और इनका बहुत बढ़िया कार्य है ये कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ, 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 कुछ इनोवेटिव करते जाते हैं और इन्होंने बहुत सारे लोगों के साथ हमें देश विदेश में जोड़ा है हम आपका बहुत आभार प्रकट करते हैं आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं पंजाब में करते रहिए पंजाब में इस चीज की बहुत ज्यादा जरूरत है और मैं आज लिख के दे सकता हूं इस प्रोग्राम के माध्यम से जितना पैसा बच्चे कनाडा जाने के लिए खर्च कर रहे हैं जितना पैसा पंजाब 60000 करोड़ के करीब अगर जा रहा है पंजाब से ट्रेन आउट हो रहा है वो बच सकता है मीडिया एंटरटेनमेंट मीडिया एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री पंजाब का हर बच्चा गीत संगीत डांस म्यूजिक हर चीज में है लाइट साउंड बैकड्रॉप कॉस्ट्यूम्स डिजाइनिंग क्रिएटिविटी अरे किसी चीज की भी बातचीत कीजिए आप म्यूजिक फॉर वोकेशनल एजुकेशन एंड स्किल्स आप बच्चों की स्किल्स को तेज इंप्रूव कर सकते हैं वोकेशनल को अच्छे से इंप्रूव कर सकते हैं अगर आप इसको लेकर चले टूडे द म्यूजिक थ्रू टेक्नोलॉजी अब टेक्नोलॉजी का बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है उसको लेकर चलिए आसान है जो हमारे एडटेक प्लेटफॉर्म है

अटल थिंकरिंग लैब इंक्यूबेशन सेंटर और हमारा चेंबर भी आईसीएसआई फिनिशिंग लैब दे रहा है किसी भी स्कूल को किसी भी कॉलेज को किसी भी इंस्टीट्यूशन को सॉफ्ट स्किल और लाइफ स्किल के लिए कुछ भी चाहिए वी वुड बी मोर देन हैपी एंड नाउ यू नो दीवीटीटेंस बाई कम्बाइनिंग द नेशनल स्किल डेवलपमेंट एजेंसी एंड नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग

ये देखिए कल का प्रोग्राम रात के आठ बजे का सभी बच्चों के लिए सभी पेरेंट्स के लिए सभी टीचर्स के लिए सभी काउंसलर्स के लिए सभी एजुकेटर्स के लिए टुमारो वी आर गोइंग टू टॉक आपको याद होगा हमने फ्राइडे को किया था ह्यूमर इन एजुकेशन आज हमने किया म्यूजिक इन एजुकेशन कल हम करने जा रहे हैं गेम बेस्ड लर्निंग गेमिफिकेशन गेम्स कोई भी बच्चा गेम्स क्यों एंजॉय करता है कोई भी बच्चे के दिमाग में क्या चलता है कि वो खाना भी भूल जाता है एंड दे आर अपना ध्यान रखिए सादा भोजन खाइए प्रिकॉशंस लीजिए मैंने आपको दोनों मास्क दिखाए दोनों को पहनना है तभी आप ठीक रहेंगे और आपकी एजुकेशन आगे चलती रहे

आपको लगातार कुछ चीजें भेजता रहेगा और हमको भी पता होगा हमारे साथ जो प्यारे प्यारे बच्चे जुड़े हैं और हमारे साथ जो प्यारे प्यारे टीचर जुड़े हैं काउंसलर जुड़े हैं हेड जुड़े हैं एंड अरुण जी थैंक यू वेरी मच मैं आपका बहुत आभार प्रकट करता हूं आप बहुत प्यारे हैं आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हमारा चेंबर आपके स्कूल को अडोप्ट करेगा और उसको हम आगे लेकर चलेंगे और जितना कुछ बेस्ट पॉसिबल पंजाब में हम आपके लिए कर सकते हैं हम जरूर करेंगे सो so, सभी का बहुत बहुत आभार प्रदीप जी विमल जी और साक्षी जी और उसके बाद अरुण जी दिल शान जी और विमल चौहान जी उमा देवी जी कर्नल सुरेश कुमार जी और उसके बाद हमारे बहुत सारे और जूली मैम न्योई मैम और उसके बाद हाबुंग मैम और उसके बाद प्रदीप बिश जी है अरुणम जी हैं और दीक्षित जी हैं बाल कृष्ण जी हैं और माय गॉड इतने सारे लोग इतने प्यारे प्यारे लोग ये ये सारे जुड़ गए दैट्स wow, ग्रेट सारी वीडियोस का फायदा तब है अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए उनको भेजिए और उनको बताइए ये देखो यार मैं एजुकेशन को एजुकेशन की तरह नहीं लेना चाहता मैं उन दोनों की ग्रेव की फोटो आपको रोज दिखाऊंगा जिसने एजुकेशन बनाई और जिसने एग्जाम बनाए उन दोनों को कभी माफ नहीं किया जाएगा हमारे लिए मुसीबत कर गए हमारे बच्चों के लिए मुसीबत कर गए बच्चों एंजॉय नहीं करने बच्चों को कभी भी नहीं रहने 24 अरे भाई उनको जी लेने दो उनके ढंग से इन्हीं शब्दों के साथ आज म्यूजिकल वे में अच्छे ढंग से प्यार से खुशी से इस प्रोग्राम को खत्म करते हैं और देश प्रेम से खत्म करेंगे इसको और दैट इज मनी करनी का, का मुझे वो गाना हमेशा बहुत याद आता है बहुत प्यार करता हूं मैं उस गाने को देश से है प्यार तो देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए मैं रहू या न रहूं भारतीय रहना चाहिए ये बाद मेरे सिलसिला चलना चाहिए मैं रहूं या ना रहू भारतीय रहना चाहिए जय हिंद अच्छे भारत को प्यार करते हुए कल आप अष्टमी को अच्छे से कीजिएगा और हमारी जितनी भी गर्ल चाइल्ड हैं, उनको अच्छे से कल सुबह उनके पाँव धोइए उनको मौली बांधिए और उनको प्रसाद दीजिए और साथ में कोई भी अंकल थोड़े पैसे मत देना ज्यादा ज्यादा पैसे देना बच्चों को ओके सो विद दीज वर्ड्स कल शाम को मिलेंगे गेम्स के साथ गेमिफिकेशन के साथ एंजॉयमेंट के साथ हैप्पीनेस के साथ मास्क कर रखिएगा ध्यान रखिएगा ऑल द बेस्ट गॉड ब्लेस ऑल ऑफ थैंक यू वेरी मच हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए खुश रहिए प्रसन्न रहिए संसार में जो कुछ हो रहा है वो